नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं आपके साथ दिगा शर्मा। पिछले कुछ दिनों से कनाडा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे में वहां के पीएम टूडो भागे भागे घूम रहे हैं। तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों के आगे देश की सरकार घुटनों पर नजर आ रही थी। ऐसे हालात में चौतरफा बदनामी के बीच जस्टिन टूडो ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है और प्रदर्शनकारियों पर जमकर निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के जरिए जानिए। कोरोना की मार ने जहां पूरी दुनिया की नींव हिला कर रखी है, तो दूसरी तरफ ये बीमारी कनाडा की टूडो सरकार के लिए ऐसी मुसीबत लेकर आई है जिससे पार पाने के लिए कनाडा के पीएम जितनी कोशिश करते हैं उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल वैक्सीन की अनिवार्यता और ट्रक ड्राइवर्स को लेकर विवादास्पद बयान देकर फंसे टूडो को पूरे देश में, खासकर कनाडा की राजधानी में, विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। हालात की गंभीरता को तो इस बात से समझा जा सकता है कि टूडो साहब खुद बीते कुछ दिनों से लापता चल रहे थे। ऐसे में जब मामले ने तूल पकड़ा तो अज्ञातवास पर गए जस्टिन टूडो ने न सिर्फ चुप्पी तोड़ी बल्कि प्रदर्शनकारियों पर जमकर निशाना भी साधा। जस्टिन टूडो ने साफ तौर पर कहा है कि फ्रीडम कॉन्वॉय के नाम से मुहिम चला रहे ये ट्रक चालक घृणा से भरे भाषण दे रहे हैं और इस वजह से वो उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। टूडो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इन ट्रक वालों से मिलने की बजाय वो ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के लोगों से मुलाकात करना पसंद करेंगे। साथ ही साथ कोरोना को लेकर बढ़ाए गए प्रतिबंधों पर ट्रक ड्राइवर्स की असहमति को टूडो ने दो टुक लहजे से खारिज कर दिया है। टूडो का कहना है कि एक ट्रक चालक न केवल विज्ञान बल्कि अग्रिम मोर्चे पर तैनात हेल्थ वर्कर्स का असम्मान कर रहे हैं। टूडो ने इस मौके पर प्रदर्शनकारियों द्वारा संसद के पास नाजी झंडा फहराने की भी आलोचना की है। आपको बता दें कि हाल ही में कोरोना को देखते हुए न सिर्फ टूडो सरकार ने कोरोना गाइडलाइन सख्त कर दी थी बल्कि अमेरिका की सीमा पर आने वाले ट्रक ड्राइवर्स के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया था। ऐसे में जब ट्रक ड्राइवर्स ने इस फैसले का विरोध किया तो टूडो ने ट्रक ड्राइवर्स को लेकर विवादास्पद बयान भी दे दिया था, जिसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि कनाडा की राजधानी में 20,000 ट्रकों के साथ प्रदर्शनकारियों ने डेरा डाल दिया। इस बीच टूडो के अपना आवास छोड़कर भाग जाने की खबरें भी आईं। हालांकि अंदर खाने मामले को दबाने के लिए ये भी कहा गया कि टूडो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके चलते वो परिवार समेत आइसोलेशन में चले गए। बहरहाल मामला गर्म है और भारत के आंतरिक मुद्दे पर ज्ञान देने वाले टूडो अपने देश में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज 15। नमस्कार।